आज बात करेंगे आईफोन चार्जिंग की। जी हाँ, किस तरह से आप आपके आईफोन को चार्ज करेंगे, आपके फ़ोन की बैटरी का परफॉर्मेंस आपको सबसे ज़्यादा अच्छा मिले, मतलब आपकी फ़ोन की बैटरी लाइफ ज़्यादा मिले और आपकी फ़ोन की बैटरी का जो हेल्थ है वो डिग्रेड कम हो, ये दोनों चीज़ें आप कैसे करें कि अचीव कर पाएँ, इसके बाद करेंगे आज की वीडियो में। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। चैनल पर नए हैं और पहली बार आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस को बिल्कुल भी मिस ना करें। अब देखिए, मुझे मेरे बहुत सारे वीडियोस पे लोग कमेंट करते हैं कि आईफोन के लिए कौन सा चार्जर लेना चाहिए, आईफोन के लिए कौन सी केबल ठीक है, आईफोन के लिए कौन सी ट्रिक्स का ध्यान रखें, मेरे फोन की बैटरी की चार्जिंग लाइफ कम हो गई है, मेरा बैटरी लाइफ कम आने लगा है, हाउ टू रीड द ग्राफ एंड लॉट ऑफ क्वेश्चन आ रहे। आई थॉट वाई नॉट मेक अ वीडियो डेडिकेटेड फॉर ऑल दोज क्वेश्चन। सो हम आज बात करेंगे कि आप क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें, क्या कुछ करना चाहिए और कौन सी चीज़ें जिनको अवॉइड करना चाहिए ताकि आपको आपकी फ़ोन की बैटरी लाइफ बेस्ट मिले और आपका चार्जिंग का हैसल कम से कम हो जाए। अब ऐसे में आई विल ऑल्सो टेल यू कि मैं कौन सी चीज़ों का ध्यान रखता हूँ, मैं कौन सी चीज़ें फॉलो करता हूँ, हाउ आई चार्ज माई फोन, व्हाट ऑल डू आई यूज़ और चार्जिंग कब करनी चाहिए, ऑल दोज थिंग्स आई विल टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। तो हम शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले कि आईफोन की चार्जिंग के लिए आपको सबसे पहले तो चार्जर कौन सा यूज़ करना चाहिए। अब देखिए, मेरे यहाँ पे चार चार्जर मैंने रखे हुए हैं। नाउ फर्स्ट दिस इज मैकबुक प्रो M1 का चार्जर विच इज 61 वॉट। अब ये चार्जर भी आपके आईफोन को चार्ज कर सकता है। अदर इज द मोस्ट पॉपुलर चार्जर जो कि आपको आजकल आईफोन जब आप खरीदने आते हैं तो नॉर्मली चार्जर बॉक्स में आता नहीं है तो आपको खरीदने को मिलता है, जो कि है 20 वॉट का। नाउ दिस इज ऑल्सो एप्पल चार्जर जो कि काफ़ी पॉपुलर है। नेक्स्ट इज दिस 12 वॉट चार्जर जो कि एयर के साथ मुझे मिला था टाइम पहले, यूजुअली लोग यूज नहीं करते हैं, बट दिस इज देयर। एंड देन द स्लो चार्जर विच इज 5 वॉट चार्जर जो कि आपको आईफोन पुराने वालों में साथ मिलता था, आजकल मिलना बंद हो गया है। नाउ इनमें से कौन सा आपको यूज़ करना चाहिए? नाउ आई वुड से कि जब आप आपके फ़ोन को रूटीन में चार्ज कर रहे हैं, डेली चार्ज करना है ना, तो आप ये वाला चार्जर यूज़ कीजिए। नाउ आप बोलेंगे कि यार ये तो बहुत स्लो है, इससे चार्ज करना मतलब 2 घंटा 3 घंटा कौन वेट करेगा। सी, मैं समझता हूँ कि ये चार्जर बहुत स्लो है और आप शायद डेली अगर आप सुबह चार्ज करेंगे तो 3 घंटा वेट करना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे में अगर आप रूटीन चार्ज करते हैं तो आपके फ़ोन को रात में चार्ज कीजिए। नाउ इसको लगा के आपको ऐसे ओवरनाइट चार्ज नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। इसके लिए व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मे बी बाय एनी ऑफ स्मार्ट प्लग जो कि मेरे पास यहाँ पे 2-3 है, तो आप ये स्मार्ट प्लग्स खरीद लीजिए। और अगर आपके घर पे वाईफाई है तो व्हाट यू कैन डू इज आप स्मार्ट प्लग लगा दीजिए और आपका जो चार्जर है वो इसमें लगाइए और इस स्मार्ट प्लग में एक टाइमर लगा दीजिए, मतलब कि ये ऑटोमेटिक रात को 1 बजे चालू हो जाएगा और 1 बजे से लेके मे बी 3 घंटा तक चालू रहा, 3 घंटा फ़ोन चार्ज हुआ आपका और 5 बजे फिर से बंद हो गया। तो 1 से लेके 4 या 5 जो भी टाइम देना चाहते हैं आप वो टाइम दे दीजिए। तो आपका फ़ोन बेसिकली आपने लगाया रात में है लेकिन वो लगातार पूरा चार्ज नहीं हो रहा है, ये स्मार्ट प्लग के वो 3 घंटे में चार्ज हो रहा है और आज सुबह उठेंगे ना तो आपको फ़ोन मिलेगा चार्ज। ना ये स्लो ज़रूर है लेकिन रात में सोने के बाद क्या पता पड़ता है आपको, आप सो जाएंगे, आप सुबह उठेंगे चार्जिंग मिलेगी फुल। तो दिस इज़ डेफिनेटली अ गुड वे। अब ऐसे में अगर आपके घर वाईफाई है तो स्मार्ट प्लग काम करेगा, वाईफाई नहीं है तो क्या करेंगे। ना उसके लिए देर आर सम यू नो स्मार्ट नॉट स्मार्ट बट प्लग्स अवेलेबल जिसमें एक टाइमर होता है, तो यू कैन चूज अ टाइमर। मे बी 2 घंटे का टाइमर लगा दिया आपने, फोन आपका चार्ज लगा छोड़ दिया, 2 घंटे के बाद वो प्लग अपने आप बंद हो जाएगा। और ये आपका अमेजोन पे नॉर्मली 300-500 रुपये मिल जाते हैं, तो वो प्लग खरीद लीजिएगा और बिंदास आपका फोन वहाँ लगाइए चार्जिंग और इससे चार्ज कीजिए। नॉर्मल लाइफ में इससे चार्ज करेंगे तो बेटर होगा। और बाय द वे मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि इससे चार्ज करना है, देखिए नॉर्मली क्या होता है ना आईफोन में या किसी भी डिवाइस में जब आप चार्जिंग करते हैं ना, तो अगर चार्जिंग फास्ट हो रही है जैसे कि 61 वॉट कर रहा है या मेबी 20 वॉट कर रहा है, तो जब फास्ट चार्जिंग होती है ना तो बैटरी में हीट बनती है। नाउ हीट से आपकी बैटरी की परफॉर्मेंस ख़राब होती है, तो आपको कोशिश करनी है कि वो हीट को अवॉइड करना है, इसलिए ये वाला चार्जर। और मान लीजिए आपने एक बार चार्ज कर लिया रात को और आप यूज़ कर रहे हैं फ़ोन को एंड ड्यूरिंग द डे यू फील कि यार बैटरी खत्म हो रही है किसी भी कारण से, आपने बहुत यूज़ किया फ़ोन को, तो आप ये चार्जर यूज़ कर सकते हैं। मतलब इससे आप यूज़ इट एज अ क्विक फिक्स, मतलब आपके नॉर्मल रूटीन में 5 वॉट और उसके बाद ये वाला चार्जर आपने यूज़ किया, थोड़ा चार्ज किया फ़ोन को एंड यू लाइक कि अब चल जाएगा मेरा, घर पहुंचने के बाद रात को फिर से इससे चार्ज कीजिएगा, तो इससे आपकी फ़ोन की बैटरी लाइफ डेफिनेटली आपको बेटर मिलेगी और आपकी बैटरी हेल्थ को डिग्रेड होने से भी बचाएगा। 61 वॉट का ये चार्जर या तो फिर मैकबुक एयर का जो 30 वॉट का चार्जर आता है वो आपके आईफोन को चार्ज करने के लिए यूज़ मत कीजिए, अनलेस कि आप बिल्कुल कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, फंसे हुए हैं कि यू डोंट हैव एन ऑप्शन और एक ही चार्जर लेके जाना है आपको मैकबुक के लिए भी फ़ोन के लिए भी, तो कर सकते हैं, बट यूजुअली ट्राई कीजिएगा इनको आप अवॉइड ही करें। देखिए एक और चीज़,
आप जब भी कोई चार्जिंग कर रहे हैं आपके फोन में तो ट्राई कीजिए कि जो केबल्स आप यूज कर रहे हैं ना वो MFI सर्टिफाइड होना चाहिए, मतलब मेड फॉर आईफोन, वो वाली केबल ही लेनी चाहिए। अब एप्पल की जेन्युइन केबल ऑफकोर्स आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास में है तो, अगर वो ख़राब होगी आपको और नहीं खरीदनी है तो एप्पल थोड़ा एक्सपेंसिव आता है, तो अगर खरीद सकते हैं तो दिक्कत नहीं है। अगर आप उसको ना खरीद के कोई थर्ड पार्टी केबल, लोकल केबल मत लीजिएगा, लोकल केबल से आपके आईफोन की बैटरी को तो नुकसान होता ही है, आपके आईफोन को भी डैमेज हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आप ट्राई कीजिए कि आप वायरलेस चार्जिंग आपके फ़ोन में कम इस्तेमाल करें। देखिए नॉर्मली बैटरी का दुश्मन मतलब हीट, और वायरलेस चार्जिंग में ना नॉर्मली आपका फ़ोन हीट करता है, वो हीट कम होती है वो हीट ज़्यादा होती है, ये डिबेटेबल पॉइंट है, लेकिन वायरलेस चार्जिंग आपके फ़ोन को तो हीट करेगा, डेफिनेटली करेगा, थोड़ा सा करेगा ज़्यादा करेगा अलग बात है। अब ऐसे में अगर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, यू वर्किंग इन एन ऑफिस और आपको लगता है कि यार मुझे तो बार बार बस चार्जिंग लगाया फिर निकाला बात किया ऐसा कुछ होता है, तो अलग बात है, बट अगर आप कर सकते हैं रूटीन में ट्राई एंड यूज़ अ केबल और उससे आपके फ़ोन को आप चार्ज करें। एक और चीज़, आप ना आपके फ़ोन को ट्राई कीजिएगा कि 100% पे चार्ज ना करें, मतलब ट्राई करें कि मे बी 90-95% तक लेके जाएं, उसके बाद चार्ज ना करें, ट्राई एंड अवॉइड दैट, उससे आपके फ़ोन की जो बैटरी लाइफ है वो भी ज़्यादा मिलेगी और बैटरी का हेल्थ का प्रॉब्लम भी आपका डिग्रेड होने का कम हो जाएगा। और एक और चीज़ की बैटरी हेल्थ को भी ना ट्राई कीजिए कि 30% से नीचे ना जाए, मतलब 25-30 आ गया चार्ज लगा दीजिए, मतलब वेट मत कीजिए कि जीरो होगा बंद होगा तब चार्ज करना है, ऐसा नहीं करना आपको। सो 30-90-95 शुड बी द ब्रैकेट। नाउ एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये कि आपके फ़ोन की सेटिंग में जाइए, गो टू दिस बैटरी एंड देन गो टू योर बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग, और यहाँ पे जाके आप ऑप्टिमाइज चार्जिंग को ऑन कर दीजिए। तो अगर आप ऑप्टिमाइज चार्जिंग को ऑन रखेंगे तो दिस नोज कि आपका बिहेवियर कैसा है, आप कब सोते हैं कब उठते हैं, तो आपके उठने से पहले आपके फ़ोन को चार्ज कर लेता है। सो डेफिनेटली दिस इज़ अ गुड थिंग विच यू शुड डेफिनेटली एंश्योर कि आपने ये ऑन किया हुआ है। बाकी उसके अलावा आप किस तरह से चार्जिंग यूज़ करते हैं आपके फ़ोन की, एंड वॉट ऑल डू यू डू वैल यू चार्ज, एंड आपका फ़ोन का बैटरी हेल्थ कैसा है, वो सब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं रिगार्डिंग द चार्जिंग आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, मेरा जो हैंडल है वो है निर्वाण टेक, NIRWANTECH, एंड यू कैन ऑल्सो कास्ट मी योर क्वेश्चन देयर एज वेल। मेरा नाम है गजेंद्र निर्वाण और आप देख रहे थे निर्वाण टेक। थैंक यू सो मच।